खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। एंड्रयूज गांधी से ये सुनकर खामोश हो गए कि हिंदुस्तान में सत्याग्रह का अवसर 5 साल नहीं आएगा, लेकिन तब तक बर्दवान स्टेशन आ गया। गांधी को तीसरे दर्जे का टिकट लेना था। समस्या ये थी कि तीसरे दर्जे की टिकट खिड़की गाड़ी आने से कुछ ही देर पहले खुलती थी। उन्होंने कोशिश की तो स्टेशन मास्टर से टका सा जवाब मिला, इंतजार कीजिए, तीसरे दर्जे के यात्रियों को पहले से टिकट नहीं दिया जाता। खिड़की खुली तब भी टिकट लेना मुश्किल काम था। अजीब रेलम्पेल, मजबूत काठी के लोग धक्का देते, ठेलते, रौंदते आगे बढ़ जाते थे। कतार में खड़े होने का कोई मतलब नहीं था। आखिरकार टिकट मिला, लेकिन ये मात्र एक छोटी लड़ाई थी, एक महाभारत से दूसरे महाभारत के बीच का समय। यात्रा के विकट संघर्ष से गांधी अच्छी तरह परिचित थे। गाड़ी आई तो जंग का नया अध्याय शुरू हो गया। तीसरे दर्जे के डिब्बों के करीब करीब सारे दरवाजे अंदर से बंद। ट्रेन के अंदर और बाहर के लोगों के बीच गाली गलौज, धक्का मुक्की। प्रयास यही कि जो आ गया आ गया, कोई नया आदमी डिब्बे में दाखिल न होने पाए। गांधी और कस्तूरबा मैं सामान प्लेटफॉर्म पर इधर से उधर चक्कर लगाते रहे। हर डिब्बे से एक जैसा जवाब मिलता, आगे बढ़ो, जगह नहीं है, अगला डिब्बा देखो। गार्ड से भी गांधी को रूखा उत्तर मिला, जगह मिले तो बैठो, नहीं तो दूसरी ट्रेन से जाना। जरूरी काम है कहने की विनम्रता बेअसर रही। गार्ड के पास दलीलें सुनने का समय नहीं था। अंततः गांधी और कस्तूरबा को तीसरे दर्जे के टिकट के साथ डेढ़े दर्जे में जाना पड़ा। मगनलाल और नगीनदास भारी मशक्कत के बाद किसी तरह तीसरे दर्जे में घुस पाए। आसनसोल में गांधी ने बकाया किराए के पैसे भरे, लेकिन मुगलसराय से तीसरे दर्जे में आ गए। तब तक मगनलाल ने वहां जगह बना ली थी। 22 फरवरी की दोपहर तीनों थके हारे कल्याण स्टेशन पहुंचे, पर सफर का एक हिस्सा अभी बाकी था। पूना कई घंटा दूर था। कल्याण में कस्तूरबा को नहाने धोने की दिक्कत थी, लेकिन पूना जा रहे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के कुछ लोगों ने उनकी मदद की। कस्तूरबा को दूसरे दर्जे के स्नान घर ले जाया गया। अपने संकोच के बावजूद गांधी ने इस अनौचित्य के प्रति आंख बंद कर ली। उन्होंने कहा, सत्य के पुजारी को ये शोभा नहीं देता, लेकिन पति के मोह ने सच को ढक लिया। खामोशी की दास्तान, भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय, प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।